जय बुंदेलखंड की जय काली माई की। हम राजकुमार द्विवेदी और आप और देख रहे हो दी लालटेन। केन बेतवा लिंक परियोजना अपने तक के भारत देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपनों हतो कि बुंदेलखंड को आदमी प्यासो ना मरे, यहाँ लेके उन्हें एक परियोजना के ऊपर काम करो, चाहो कि जब परियोजना जल्दी से जल्दी पूरी हो, पर जब परियोजना कहूँ ना कहूँ कौन ना कौन कारण बस अटक गई और अवेलो अटकी ही है। खैर दी लालटेन की टीम पहुंची उन गांव में, घोड़न गांव और उनके आसपास के गांव हैं जिन गांवों को विकास रुको है केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण। उतः के व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं आए, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं आए, आवागमन की सुविधाएं नहीं आए, सरकारी परियोजना से सरकारी योजना के लाभन से वंचित हैं उतः के ग्रामीण। दी लालटेन की टीम उतः वे पहुंची, ग्राउंड जीरो से खबर उठाई, सभा उस चीज से अवगत कराओ, निश्चय करो कि बारी बारी से सबसे इस बारे में पूछो जय है कि आखिर ऐसा कहे कि एक परियोजना शुरू नहीं करी जा रही, आ जाए कारण ग्रामीण जो भुगत रहे हैं। वही क्रम में जब दी लालटेन की टीम से समीर अवस्थी पहुंचे और उनने खजुराहो में आए भाई बी डी शर्मा के सामने सवाल रखे, तो खजुराहो सांसद बी डी शर्मा सवालन से बचत नजर आए। उतई पे जब दर्जा प्राप्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी जी से चर्चा करी गई, तब उनने बताओ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच समझौता पे हस्ताक्षर भाई हैं, इन पे काम जल्दी से जल्दी हुए है। पर जब सवाल करूंगा कि आखिर कब तक, तब उनने कोरोना महामारी को हवाला दब है और बोले हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता है कोरोना महामारी यहाँ अपने देश से भगावो, देशा ई दुविधा से निपटावो, उसके बाद निश्चित रूप से जब काम हुए और जन भी ग्रामीण हैं उनके संग उचित कार्रवाई करी जे है, परियोजना पूरी करी जे है, जल्दी से जल्दी उन्हें लाभ मिल पाए। बेतवा के सिलसिले में चाह रहा था क्या केन बेतवा, क्या क्या केन बेतवा का ये काम अभी कहाँ तक, मतलब केन बेतवा काम शुरू हो रहा है सर, वहाँ पर कई गांव के ग्रामीण परेशान है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा सर। भैया अभी कोई ऐसे होता है क्या, प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरुआत कर दी, कितनी बड़ी बात है सर, एक लंबा समय बीत गया, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं सर। छतरपुर जिले से निकल के सामने आया है केन बेतवा लिंक परियोजना। अटल जी का सपना था कि पूरे बुंदेलखंड की प्यास बुझाया जाए, ऐसे में एक केन बेतवा लिंक परियोजना अधूरा पड़ा है। वहाँ जो ग्रामीण डूब क्षेत्र में जो गांव है काफ़ी परेशान है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहे सर, क्या आप लोग इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? केन बेतवा परियोजना के लिए ये मन हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच के कारण ये आगे बढ़ी है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की बैठ के आपस में चर्चा हो गई है और उस पर काम बढ़ाया गया है और आगे आने वाले समय में इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत जल्दी ये परियोजना पूर्ण होगी। सर समय लग रहा है, ऐसे में जो ग्रामीण वहाँ पे हैं उनका व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है और उनको योजनाओं का लाभ से वंचित हो रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना के संकट काल में ये सब थोड़ा डिले हो रहा है, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी काम। लगभग कितना समय लगेगा सर? अब ये तो नहीं कह सकते, परंतु इस महामारी का भी एक और दौर आने वाला है, तो बहुत से काम रुक जाते हैं, इस वजह से समय लग रहा है, अन्यथा बहुत जल्दी काम होने वाला है।